नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी को स्वागत है। आज हम नारियल चटनी बनाएंगे। इसमें हम 100 ग्राम हम नारियल लिए हैं, एक धनिया पत्ता लिए हैं, पुदीना पत्ता लिए हैं, दो मिर्च, तीन चार कलियां लहसुन लिए हैं, और 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच चीनी, और ये इमली लिए हैं। इमली को हम फुला लिए हैं। अब हम सभी को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, चटनी बनकर तैयार हो गया, और इसे हम एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, चटनी का कलर कितना प्यारा दिख रहा है। दोस्तों, आप भी मेरे बताए हुए तरीके से नारियल, पुदीना और धनिया पत्ता का चटनी बनाकर खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।